इसका इसका सदुपयोग करते हैं, आपको थोड़ा कुछ एक्स्ट्रा देते हैं। नवरात्रि के यहाँ पे लंबे आदमी कितने हैं? सबको नचा दिया, झुमा दिया। अमेजिंग लुकिंग People on stage, Ayush and Varina ke liye zorda taaliya. You know when we told them that you guys are coming on stage, unko vishwas nahi hua, but now saamne dekh ke vishwas ho raha hai, chal rahe. You both are non Gujaratis, but in the film you performed Garba and Dandiya like each one of them here. How did you prep for it? पर अगर गुजराती में चाहे तो गुजराती में बोल सकते हैं तो। Six months, छह घंटा every day गरबा सिखाया हम दोनों ने। Just सोचा था हम थोड़ा authentic गरबा कर सके, मगर जिस तरीके का गरबा मैं देख रहा हूँ, I don't think so हम लोगों ने ऐसा गरबा किया है। यहाँ पर क्या energy है, जब आ रहा था यहाँ पर गरबा जोड़े थे। Was very nice, dad. So nice to be over here. Thank you so much for having us and thank you so much for showing so much of love. नमस्ते, केम छो? गरबा खेल के मजा आ रहा है कि नहीं? हमारे गाने सुने कि नहीं? चलिए ठीक है, तो झगड़ा हो रहा है और ऐसी एनर्जी भी होगा, थोड़ा और एनर्जी आप चाहिए। चलिए, यू नो बेहतर सबसे क्या होगा, यहाँ पे आए हैं तो सोने पर सुहागा है ही, लेकिन अगर फाल्गुनी पाठक आपकी फेवरेट परफॉर्मर यहाँ पे चला करें और ये लोग डांस करें तो इससे बेहतर मुंबई की ऑडियंस के लिए कुछ नहीं हो सकता। कम ऑन यार, सबके सबके हाथ एक साथ ऊपर, एंड यू ऑल हैव टू डांस विद देम।
देख मिली, कितने लोगों ने देखी है? बाकी लोगों को देखना बाकी है, यू वांट टेल देम एनीथिंग? वेल, ये फिल्म हमने गुजरात के लिए बनाई थी, बहुत सारा प्यार मिल रहा है इस फिल्म के लिए गुजरात से, बहुत सारा गरबा सीखा और ब्राइंड ब्रोइंग गरबा किया है आप लोगों ने, थैंक यू सो मच हम लोगों को यहाँ पर आने के लिए, हम लोगों को बहुत मजा आया आप लोगों के साथ में गरबा करके, और इतना सुना है इस इवेंट के बारे में, बालकनी मैम के बारे में, आज फाइनली वो लाइव देख लिया, थैंक यू सो मच, बहुत मजा आया। आई एम अ प्राउड गुज्जू, प्यार के लिए शुक्रिया, ऐसे ही प्यार देते रहिएगा एंड भूतने प्रेम करो, बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय। आयुष मैम, आयुष मैम, आगे जा, आगे जा। चलो यार, लेट्स हैव अ पिक्चर विद मरीना एंड आयुष, एवरीवन। वो तो ने प्रेम करूं छू बोल के मतलब कई लोगों की नींद उड़ा दिया, सोने नहीं वाले हो तुम लोग, ऐसे जनरली बोलते हैं आप लोगों से, नहीं बोल रहे मतलब सबसे बोल रहे हैं। हेमा मालिनी जी, she served on the advisory panel of Film Certificate of India and is currently the entertainment editor of 92.7 FM Big. Hema ji was हमारे अगले जज, ये भी बहुत ही जाने माने नाम in the field of theater, TV and films, Bakul Thakkar ji. She's worked in films like 1920, Shortcut, Bum Bum Bole and TV series like Kusum Kasam Se and Maharana Pratap. He's currently working on a theater production called Pasa by Gulzar Sahab and has a very popular Gujarati play called Flashback, been associated with folk dance in India and internationally. We welcome both our judges, Bhavna Somaya ji and Bakul Thakkar. And now I would request Santosh Shingi, Shiva Shetty ji and Harshal Lala ji to come forward and felicitate our stars for tonight, Ayush and Vareena. And everyone on your side screen on the LED, aap is film ke promo aur song ko dekh sakte hain. Make sure you watch the film, it's running in theatres. We also have our organizers, Bharat Parekh, Vipul Parekh, Amar Gehlot, Mehul Desai, Jignesh, Irine and Vinod Shelar. Ayush, carefully, I'm naked in here. With our eminent judges, very respectable name all across the globe. She's written ओके इस इवेंट के बारे में मैं इतना सुना है, फाल्गुनी मैम के बारे कि मैं इतना सुना है, यहाँ बहुत मज़ा आया, उनके उन्होंने हमारा गाना गाया तो बहुत अच्छा लगा, लोगों से मिलके उनके साथ गरबा करके, क्या एनर्जी है, और मेरे को लगता है कि मैं हर साल यहाँ पर आने वाला हूँ। सर म्यूजिक के ऊपर सर क्या कुछ कहना चाहेंगे अभी? जी बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हो रहा है वो बहुत कुछ हो रहा है अभी इंडस्ट्री में, बहुत सारे लोगों का नाम आ रहा है, हमें इस इंडस्ट्री को डेफिनेटली वेमेन के लिए एक मोस्ट सेफ प्लेस बनाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली इस मी टू कैंपेन के साथ सपोर्ट करता हूँ। जस्टिस मिलेगा सर महिलाओं को? जी मिलना चाहिए, अगर ये मिलने जस्टिस नहीं मिलेगा तो फिर कैंपेन ही पूरा वेस्ट हो जाएगा, तो आई थिंक इसमें डेफिनेटली जस्टिस होना चाहिए। आप सपोर्ट करते हैं? जी जी मैं सपोर्ट करता हूँ। जी जी सर मैं रिव्यू तो ये ज़्यादा पढ़ता नहीं, बट मैं लोगों का प्यार देखने को मिल रहा है,
आप देख रहे हैं खुद ही इतने सारे लोग हैं जो हमें प्यार दे रहे हैं, हमारी फिल्म को प्यार दे रहे हैं, हमारे गानों को प्यार दे रहे हैं। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मुझे अपनी पहली फिल्म के बाद आज ऐसे इवेंट्स में आने का मौका मिल रहा है, लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिल रहा है और लोगों को मेरे गानों के बारे में पता है, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। जी बहुत अच्छा लगा, मैम बहुत स्वीट थी हमारे लिए, फाल्गुनी मैम ने हमारा गाना गाया छोगाड़ा हमारे लिए और उस पर हमने गरबा किया, थोड़े बच्चे भी आए थे स्टेज में उनके साथ हमने ऑथेंटिक गरबा किया, तो बहुत मज़ा आया। ये डांस हमने फिल्म का डांस नहीं किया था, हमने ऑन स्टेज जैसे ही देखते रहे वैसे पिकअप करते रहे, तो बहुत अच्छा लगा गरबा करके, थोड़ा ही सही बट मैंने भी गरबा जर कर लिया। जी 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 सी आई एम नॉट रियली दिस थिंग या ओके सी आई जस्ट फील कि इन जनरल एनी थिंग हैज़ टू बी मी टू अ कैंपेन कैट, वी हैव टू मेक दिस इंडस्ट्री अ सेफ प्लेस फॉर वुमेन, चाहे वो कोई भी हो। सर लेकिन 10 साल के बाद सर सामने आना सर कहाँ तक सही है? जी कभी भी सही है, जब भी बाहर आए आतो रहा है, एटलीस्ट वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। लेकिन 10 साल बाद आई थिंक हमको विक्टिम शेमिंग नहीं करनी चाहिए, हमें ये नहीं पूछना चाहिए 10 साल के बाद क्यों है, अभी क्यों है, हमें किसी को विक्टिम शेमिंग नहीं करना चाहिए। उल्टा मैं उन लड़कियों को बोलना चाहता हूँ थैंक यू सो मच कि आप ब्रेव हैं इनफ हैं कि आप आके सामने आके बात कर पा रही हैं। हाँ ठीक है।